नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट। जांच को गए उपनिरीक्षक व कांस्टेबल से दबंगों ने की अभद्रता, वर्दी फाड़ी। जिला बरेली के थाना क्योल्डिया के उपनिरीक्षक सुनील कुमार कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार के साथ क्योल्डिया थाना क्षेत्र के गांव सिठौरा में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान द्वारा जान से मारने की धमकी के प्रार्थना पत्र की जांच करने गए, जिसमें सिठौरा के ग्राम प्रधान ने चुनाव हारे हरपाल को नामजद किया था। जब उपनिरीक्षक गांव पहुंचे, तब आरोपी हरपाल अपनी दुकान पर मौजूद मिला। उपनिरीक्षक ने आरोपी हरपाल के साथ से थाना चलने को कहा। इस पर आरोपी हरपाल आग बबूला हो गया और उपनिरीक्षक से अभद्रता करने लगा। साथ ही उसने अपने घर की महिलाओं को भी बुला लिया। महिलाओं ने उपनिरीक्षक की वर्दी फाड़ डाली और गाली गलौज करने लगी। उपनिरीक्षक ने घटना की जानकारी थाना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सिरोही को दी। इस पर थाना अध्यक्ष ने उपनिरीक्षक तिलक राम प्रदीप कुमार को तत्काल मौके पर भेजा। इन लोगों ने दबंगों के चुंगल से उपनिरीक्षक सुनील कुमार और कांस्टेबल धर्मेंद्र को बमुश्किल छुड़ाया। साथ ही मौके से ही दबंग हरपाल को दबोच लिया। उपनिरीक्षक सुनील कुमार ने सरकारी काम में बाधा डालने, गाली गलौज व मारपीट करने वाले हरपाल गायत्री देवी पत्नी महेश मुन्नी देवी पत्नी हरपाल सहित 6 लोगों के विरुद्ध तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर उपनिरीक्षक सुनील कुमार कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार को मेडिकल के लिए भेज दिया। थाना कुरोड़िया के ग्राम सिठौरा में वहां के प्रधान के द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र थाना प्रभारी को दिया था, जिसकी जांच करने के लिए उपनिरीक्षक गांव में गए हुए थे, जहां पर जांच के दौरान आरोपी व्यक्ति के द्वारा उपनिरीक्षक के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस संदर्भ में थाना कुरोड़िया पर अभद्र व्यवहार करने के संदर्भ में आरोपी हरपाल के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी व्यक्ति हरपाल को पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।